कई चरणों के मतदान हो चुके हैं, किस्मत का जो फैसला होना था वो ईवीएम में सेव हो चुका है। कांग्रेस कहां तक पहुंची है, कांग्रेस का न्याय कहां तक पहुंचा है, क्या नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद है या फिर कांग्रेस का न्याय है, आखिर वोटिंग हो कैसे रही है। जो लोग प्रचार कर रहे हैं या जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से, वो बेहतर नफ्स जानते हैं कि देश क्या सोचता है और वोट कैसे होती है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए आईटीवी ग्रुप के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी हमारे साथ हैं। राहुल जी बहुत स्वागत है आईटीवी नमस्कार, पर आपने हमें समय दिया और मेरे साथ हमारे रीजनल एडिटर नमस्कार मंडूला साहब भी हैं। शुरुआत इसी से कहूंगा क्योंकि आपने मैनिफेस्टो में कहा कि हाँ भाई न्याय है, हम 72,000 रुपए देंगे, इतने लोगों तक पहुंचेंगे। पहली बार छत्तीसगढ़ में आपने इसकी शुरुआत कही थी कि मिनिमम वेजेस था, उसके बाद अहमदाबाद में एक CWC हुई, हम लोग वहां गए थे, वहां पता चला कि अब इसको एक बड़े पैमाने पर कांग्रेस लाएगी। तो आपको लगता है कि ये जो न्याय की स्कीम है, क्योंकि आप इतना ट्रेवल कर रहे हैं, रैलीज में जा रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, अक्रॉस इंडिया आपने रैलीज करी, तो क्या ये न्याय जो है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाया है? आप लोगों को समझा पाए हैं कि कांग्रेस कैसा न्याय देना चाहती है? नहीं, देखिए ये काम हमने 5-6 महीने पहले शुरू किया। नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी की गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, उससे जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था थी वो जैम हो गई। किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, बताएंगे कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान का की इकोनॉमी चलती थी वो बिल्कुल ऑफ हो गई। तो न्याय योजना के दो लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य है कि गरीब जनता को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा देना, ठीक है, क्लियर कट सीधा बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये महीने के, 360,000 पाँच साल के, 72,000 साल के। दूसरा लक्ष्य है इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करना। फ्रेंकली बोलूं तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो हालत आज इकोनॉमी की है, बेरोजगारी जो आज हिंदुस्तान में है, न्याय योजना के बिना हमारी इकोनॉमी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो न्याय योजना का बेसिक आइडिया डायरेक्ट पैसा डालना, जैसे ही हम पैसा डालेंगे 25 करोड़ लोगों को पैसा मिलेगा, वो माल खरीदना शुरू करेंगे, जैसे ही माल खरीदना शुरू करेंगे कंजम्पशन शुरू होगा, दुकानों में माल बिकेगा, फैक्ट्रियां चालू होंगी, फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा। तो इट इज़ जैसे आप ट्रक के इंजन में, ट्रैक्टर के इंजन में डीजल डालते हैं और फिर स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली न्याय योजना वो कैश इंजेक्शन है इकोनॉमी में इमरजेंसी स्टार्ट करने के लिए। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस न्याय योजना से आप इस सरकार को पलटने जा रहे हैं? कितनी उम्मीदें आपको हैं इस बार? आप अंतिम नहीं, देखिए न्याय योजना 2 दिन बाद सिर्फ न्याय योजना सरकार को नहीं पलट रही है। जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी जी में थी लोगों की 5 साल पहले, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, चौकीदारी करूंगा, किसानों को सही दाम दिलवाऊंगा, ये इकोनॉमी को मैं मतलब मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाया, जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी में थी वो बिल्कुल उड़ गई, खत्म हो गई है। लोग मजाक उड़ाते हैं, मैं आपको फ्रेंकली बोलूं तो चौकीदार चोर है नारा है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी से, आइए डिबेट करिए मुझसे, कहीं भी आ जाइए, मैं आ जाऊँगा। राफेल पर बात करते हैं, अनिल अंबानी पर बात करते हैं, 2-3 सवाल हैं, आसान सवाल हैं, जवाब दीजिए, दे नहीं पाते हैं। और बेरोजगारी की तो आपने देखा है क्या हालत है। तो जो नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की 5 साल पहले, वो कलैप्स कर गए हैं। वो एक्चुअली वो जो पहले 5 साल पहले थे वो आइडिया रहा ही नहीं, वो गया। ये बात बिल्कुल राहुल जी, मैं और ये एक प्रकार से बहुत अंडरकरंट, जबरदस्त अंडरकरंट आपने बताया। मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूँ कि जब आप राफेल को लेकर चले थे, आपने ये सारी चीज करी थी, तो हम देखते थे कि हाँ भाई कांग्रेस पार्टी है, जो एक ग्राफ कांग्रेस पार्टी का आपका ऊपर जा रहा था। लेकिन लोग ये कहते हैं, जानकार ये कहते हैं कि जब पुलवामा हुआ या उसके बाद एयर स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद 10-12 दिन तक पार्टी जो थी वो काफी खामोश थी, एक कंफ्यूजन का स्टेट था कि हम करें क्या ना करें। इसी से जुड़ा सवाल है, क्या राष्ट्रवाद एक मुद्दा है इस चुनाव में, या आपको लगता है कि सिर्फ हम लोग दिल्ली तक है, वहीं तक समझ में आता है, ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं कर रहा? देखिए आप हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ की बात करोगे तो सबसे जरूरी चीज रोजगार। हमारे पास करोड़ों युवा हैं, अगर हम उनको रोजगार नहीं दे पाएंगे तो हिंदुस्तान का क्या होगा? तो सबसे जरूरी चीज, आज आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, सबसे जरूरी चीज युवाओं को रोजगार देने की बात है, किसानों की रक्षा करने की, जो हमारी बैकबोन है, स्ट्रेंथ है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात है। तो नरेंद्र मोदी उस पर तो टोटली कंप्लीटली फेल हुआ। आपने पुलवामा की बात की, जैसे ही पुलवामा हुआ कोई कंफ्यूजन नहीं था, मैंने बिल्कुल क्लियरली पार्टी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देखिए ये दुख का समय है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, इसका हम पॉलिटिकल यूज नहीं करेंगे। आपको याद होगा जब बंबई हुआ, नरेंद्र मोदी जी ताज होटल के सामने जब आतंकवादी गोली चला रहे थे,
लोग मर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ताज होटल के सामने खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम नरेंद्र मोदी नहीं हैं, हम अपने शहीदों का इस प्रकार प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने वो मैसेज क्लियरली दिया और आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरा सपोर्ट दिया सरकार को, पूरा सपोर्ट दिया सीआरपीएफ को। और हमने इस चुनाव में कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए, मगर पैरामिलिट्रीज को शहीद का दर्जा नहीं मिलता नहीं। तो हमारा पहला काम पैरामिलिट्रीज को शहीद का दर्जा देने का होगा। मैं सुन रहा था कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी के लिए वोट, जो आरजेडी के नेता थे सब कहते प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, उनके लिए वोट मांग रहे। तो आपका लगता है जो माहौल जिस हिसाब से है, देखिए मालिक जनता है, जो जनता कहेगी 23 तारीख को, जो जनता ऑर्डर देगी उसका हम पालन करेंगे, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे जो भी कहेगी। तो मैं उनके बारे में, जो जनता के दिल में है उसके बारे में मैं आज आपको नहीं बोलना चाहता। टीआरएस वगैरह लगे हुए कि गठबंधन ठीक है, वो तो होता है। इसमें बस आखिरी सवाल इसके बाद, वो तो होता है, शो करना है। इसमें राहुल जी, जब हम ऑपोजिशन की बैठक देखते थे पार्लियामेंट में, आप भी कई बैठक में आए, तो जब हम लोग काउंटिंग करते तो ऑलमोस्ट 23 से 28 तक दल आते थे साथ में बैठते थे। एक एक रहता था कि भाई मोदी के खिलाफ ऑपोजिशन एक साथ है, लेकिन जब पीएम की बात आती है तो उसमें हो जाता है, हर आदमी थोड़ा अपने आप को अलग करता है। उसके बाद अलायंसेस की बात आती है, तो चाहे वो यूपी हो या फिर बंगाल हो, महाराष्ट्र में आपने किया। मगर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 साल पहले आप ही लोगों ने कहा था नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री बनेंगे, आज आप ही कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। तो मेन थीम तो ये है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। अब जहाँ तक अगले प्रधानमंत्री की बात है, जैसे मैंने कहा जनता मालिक है, जो वो ऑर्डर देगी हम सुनेंगे। आप ऑर्डर देगी तो आप मान लेंगे।